कमरे का फिर से पता चलेगा। मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे जानकारी शेयर करने वाला हूं वो है चित्रकूट के रामघाट के बारे में, क्योंकि रामघाट में ज़्यादातर लोग जो भी चित्रकूट आते हैं उनको रुकने के लिए जो सबसे अच्छा स्थान लगता है या ईजी टू एक्सेस है, जहाँ पर वो आसानी से जा सकते हैं, वो है रामघाट। तो रामघाट में करीबन ऐसे कई सारे धर्मशाला हैं और लॉज हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आप कम से कम पैसे में या यानी कि आप रुपए में रुक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामतगिरी भवन है, ये आपका रामघाट चित्रकूट में ठीक उस स्थान से जहाँ पर आपको टैक्सी वाले ड्रॉप करते हैं, वहाँ से लगभग आपका 50 मीटर की दूरी पर कामतगिरी भवन है, जहाँ पर आपको नॉन एसी जो कमरे हैं वो 350 रुपए में आपको मिलेंगे, और अगर आप एसी कमरा लेते हैं तो वो आपको 975 रुपए का लगभग आपका वो एसी कमरा मिलेगा। पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने शहर से चित्रकूट आते हैं और आने से पहले आप एक बार फ़ोन करके इंक्वायरी कर लें कि रूम उपलब्ध है या नहीं। अगर रूम उपलब्ध होगा तो आप अपना जो बुकिंग अमाउंट है वो आकर के आप दे सकते हैं, या फ़ोन पर बात कर लीजिएगा। जैसे भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप तो इसके लिए क्या करें, और अगर वो फ़ोन पर ही आपका रिजर्वेशन करते हैं रूम का तो वो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कामतगिरी भवन में आपको सुबह नाश्ते के लिए और दोपहर में भोजन के लिए और रात्रि भोजन के लिए जो पैसे खर्च करने होंगे वो 85 रुपीस लगभग आपको खर्च करना होगा। ये यहाँ पर आप अगर आते हैं तो फैमिली के साथ आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं होता है। 350 रुपए का आपका नॉन एसी कमरा है, अगर आप कम बजट में देख रहे हैं तो ये सबसे आपके लिए अच्छा विकल्प है, और अगर आप एसी देख रहे हैं तो आप 975 रुपए लगभग, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 रुपए में आप एसी कमरा यहाँ पर आप ले सकते हैं। और जो आपका एक व्यक्ति का खाने का जो आएगा एक दिन का, वो आपका लगभग 250 रुपए लगभग आएगा आपका। तो ये चीज़ उनके लिए है जो चित्रकूट आना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक का प्लान नहीं किया है कि कैसे आएं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जो है कामतगिरी भवन का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख करके दे देता हूं। अगर आपको आना है चित्रकूट और आपको इंक्वायरी करनी है, आने से पहले आप कुछ दिन पहले आप पता कर लें कि रूम उपलब्ध है या नहीं। अगर रूम उपलब्ध होगा तो आपको यहाँ पर रहने के लिए रूम मिल जाएगा, अगर रूम उपलब्ध नहीं होगा तो आप किसी और माध्यम से, यानी कि आपको मैंने वैसे भी मैंने चित्रकूट पे कई सारी वीडियोस बनाई हैं खास तौर से वहाँ पर रहने के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अपनी लोकेशन जो भी आप चाहे तो जानकी कुंड आप जा सकते हैं, जानकी कुंड अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप रामघाट पर रुक सकते हैं, और रामघाट से आप कामतगिरी जो पर्वत है उसकी परिक्रमा के लिए 10 रुपये दे करके जा सकते हैं, जानकी कुंड के लिए 10 रुपए दे करके जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपका चार धाम के लिए आपका 80 रुपए लगता है, हनुमान धारा के लिए 10 रुपए लगता है रामघाट से। तो आपके लिए सबसे बेहतर जो विकल्प है वो आपका रामघाट है। तो कामतगिरी भवन के बारे में ये अभी आपके जो मैंने आपको जानकारी आपसे शेयर की है ये उनके लिए है जो आना चाहते हैं और कम से कम पैसे में रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ उनके लिए है, यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए भोजन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और आने के बाद अगर आपका रूम बुक है तो आप पहले या जा करके वहाँ पर टोकन लीजिए, आप बता दीजिए कि आप यहाँ पर भोजन करेंगे या सुबह का नाश्ता करेंगे या रात्रि भोजन करेंगे, तो आपको जा करके पहले जो है वो टोकन लेना है, आपको रुपए देने 85 रुपीस है, 65 का आपका नाश्ता होता है जिसमें सारी जो भी डिटेल्स है मैं आपको मेंशन कर दूंगा क्या क्या आपको मिलेगा, तो काफ़ी किफ़ायती है आपके लिए। और ख़ास तौर से जो चित्रकूट आते हैं वो ज़्यादातर जो हैं लोग कामतगिरी की परिक्रमा जो कामतानाथ मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, इसका एक महत्व है। और सिर्फ अपने नॉर्थ इंडिया से नहीं,
बल्कि मैंने साउथ इंडिया से बहुत सारे लोगों को देखा है जो चित्रकूट आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो अगर आप कामतगिरी में जाना चाहते हैं, कामतगिरी भवन में, तो ये आपके लिए सबसे एक अच्छा विकल्प है। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जितने दिन आप रहना चाहें वहाँ पर रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी, किसी नए जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किसी नए धर्मशाला या लॉज के बारे में या होटल के बारे में चित्रकूट के, ताकि अगर आप वहाँ पर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। और इस बात का ध्यान रखें, जो यहाँ पर भोजन है वो आपको एक आदमी के लिए पर डे का आपका लगभग 300 रुपये लगभग आपका लगेगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आप किसी भी जगह पर जाते हैं, पहला रहना और दूसरा खाना। तो ये रहने और खाने के लिए मैंने आपको दोनों बता दिया, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप अपना बजट देख करके आगे काम करें। आज के लिए इतना ही, और फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और इस समय मैं जो हूँ वो ऋषिकेश में हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है जानकी सेतु, और ठीक ये जो आप पूरा देख रहे हैं इधर, ये सब पूरे आपके पहाड़ हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ से ये गंगा जी बह करके जा रही हैं और उधर से आपकी होते हुए हरिद्वार। तो अभी मैं हरिद्वार हो चुका हूँ, घूम कर आ चुका हूँ, अभी ऋषिकेश में हूँ। यहाँ पर भी मैं धर्मशाला और जो होटल्स हैं उनके बारे में जानकारियाँ ले रहा हूँ, आने वाले समय में ये भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।